हमीरपुर जिला के नादौन थाना क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत कोहला में व्यास नदी के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। इस शव को सबसे पहले प्रवासी मजदूरों ने देखा, जिसकी सूचना पंचायत प्रधान को दी गई। घटनास्थल पर पहुंचे पंचायत प्रधान धर्मवीर ने इसकी सूचना नादौन पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी। हमीरपुर जिला के नादौन में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। हमीरपुर जिला के नादौन थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार की अगुवाई में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से शव को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टता से व्यक्ति की उम्र 40 से 45 वर्ष लग रही है। साथ ही शव गल सड़ चुका है, जिस कारण पुलिस व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्रदेश के सभी थाना व पुलिस चौकियों में अज्ञात शव की सूचना दे दी गई है। सिटी चैनल से बात करते हुए नादौन थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के पास से किसी भी प्रकार का कोई पहचान पत्र या अन्य वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, जिससे उसकी पहचान की जा सके। प्रधान कोल्ला ने सूचना दी थाना पुलिस की, एक डेड बॉडी व्यास के किनारे मिली है। जो इस सूचना पर हमने तस्दीक हेतु सब इंस्पेक्टर के साथ यहां पहुंचा तो ये डेड बॉडी एक पुरुष पाई गई है, लेकिन ये पहचान ना हो सकी है कि गल सड़ चुकी है। इसको प्राय पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा जा रहा है। फिर भी समस्त थाना जात को सूचित कर दिया गया है, किसी के इलाके में अगर कोई कुछ मेल की गुम सकती हुई हो तो थाना नादौन से संपर्क करें। सिटी चैनल के लिए नादौन से संजीव बॉबी की रिपोर्ट।